सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाने का जो प्रयास, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए आज की जो हमारी कवरेज, आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी जसबीर भाई है, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ से दूसरी वीडियो यहाँ से लेके आ रहे हैं। पहली वीडियो में भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पशुधन है वो भाई साहब ने दिखाया, और आज भी काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो कि ताज़ा ब्याई हुई भैंसें हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात करेंगे जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो हमें देखने को मिलेगी जी बाकड़ी, जिसकी सबसे ज़्यादा जो मार्केट में डिमांड है वो आपको देखने को मिलेगी, और जायज ही रेट में आपको जो कि पशुधन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे की जो डिटेल्स है वो हम भाई साहब से लें, लेकिन उससे पहले जो भी भाई आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि इन फ्यूचर हम जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलवाना चाहेंगे भाई साहब से, और जो पशुधन की जो डिटेल्स है वो भाई साहब से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहिल, ठीक कैसे हो भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, और घर परिवार सब मौज में? सब बढ़िया, आप नहीं सुनाओ? बस हम भी पहुँच में भाई साहब। तो पिछली वीडियो का पशुधन भाई सब सेल हो गया है? हाँ, तकरीबन सेल हो गया, एक रह रहा है। ठीक है जी। तो लगभग कितने फोन आए आपके पास? फोन तो काफी आए। अच्छा जी। तो आज फिर से दिखा रहे हो दूसरी वीडियो अपनी सोशल मीडिया पे, तो शुरुआत कर लेते हैं जो पहले नंबर पे जो पशुधन खड़ा है इसकी क्या कुछ डिटेल्स है जी पूरी, आप यहाँ पे जैसे कि जो बहस है वो देख पा रहे हैं कौन से लैक्टेशन में भाई साहब? ये भाई साहब अगला तो दूसरा बता रहा था। अच्छा जी। वैसे तीसरा मान लो शरीर के हिसाब से तो दूसरे में नजर आ रही है। बाकी पशु भाई क्या पता लगा, अपना बह रही हो तो पता भी लग जाए दूसरे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखिये जी, दूसरे ब्यात की भी मान सकते हैं और तीसरे ब्यात की भी आप मान सकते हैं। बाकी बात कर लेंगे जी पशुधन की क्वालिटी की, फेस से लेकर के पीछे टेल तक। माइनस पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में माइनस पॉइंट है वो हमें नहीं देखने को मिला। और बात कर लेंगे भाई साहब कितने दिन की ब्याई हुई है? ये भाई साहब अगले का तो सवा महीने बताओ, फिर लगभग पौने दो महीने की हो रही है। पौने दो महीने की लमसम ब्याई हुई है। ठीक है। तो लगभग अभी फिलहाल प्रेजेंट में दूध कितना है? दूध वैसे तो चार है, तेरह पक्का मानो। अच्छा जी। चौदह तैयार है, बाकी एक किलो हम पहले कम बताओ। हाँ भाई, पशु गर्मी का टाइम है, कम पत्ती भी कर दे। बिल्कुल। तेरह किलो में कोई कमी नहीं पावे पूरा। ये देखिए जी, भाई की पिछली वीडियो जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बातें काफी अच्छी लगी, और अब की बार भी जो वीडियो बना रहे हैं यही चीज काफी अच्छी लगती है। बच्चा सुबह रहे 9-10 बजे साथ में बन रहा था, वो मुंह लगाया एक दो थनका झाड़ गया, कुछ एक रह रहा है। कोई बात जो नहीं, कोई भाई यू ना मानना है भाई थाना दूध है या कोई नहीं, वो तो ग्राउंड लेवल पे आके अपनी देख सकते हैं। दो टाइम तीन टाइम जो भी मर्जी हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखिए एक थोड़ी ही है महसूस, वो मेरा मतलब नजरियत है, बाकी जो कुनाल काट है कोई दिक्कत नहीं। उर्ला थड़की है ना, धार है थोड़ी नरम। अच्छा जी। उर्ला थड़की थोड़ी ज्यादा टाइट दब जाए ना, हल्की धार पाटा है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ये दूध की मतलब अगर एक किलो की ये मतलब ठंडी की गारंटी होती थी अरवा है भी। ठीक है जी। तो देखिए जी, तीसरे ब्यात की जो झोटी हुआ आप मान सकते हैं। बात करेंगे जी लगभग पौने दो महीने की जो कि ब्याई हुई है, अभी 13-14 लीटर जो दूध है फिलहाल मौके पे तैयार है। टिंडी घी अभी फिलहाल प्रेजेंट में रेकमेंड जो किया है भाई साहब ने। बात कर लेंगे जी हाइट लेंथ काफी अच्छी, एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए जो व्यक्तित्व है जी पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके दिखा देना चाहेंगे। बात कर लेंगे भाई साहब रेट की, रेट क्या कुछ रखा है आपने? रेट भाई इसका एक ही दाम है, 94,000 रुपये। 94,000 रुपये। हाँ को भाई कम बत्ती वाला फोन ना करे बार बार, भाई कितने की दोगे कितने लगाओगे, एक दाम का काम अपना किसी भाई का समझ में आवे तो बड़े खुश हो गए फोन कर सके। ठीक है जी। ठीक है, एक बार लंबा लेके चलो भाई, क्योंकि है ना फिर पिछले वीडियो में भी परेशान करे थे कितने लगाओगे कह तोड़ोगे, भाई वो काम नहीं अपने पास, सच्चाई काम है एक दाम का काम है। ठीक है जी। तो देखिए जी 94,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है जी मौके पे, 13-14 किलो दूध, पौने दो महीने की ब्याई हुई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, जिसे बूरी जिसे घर और व्यापार में जो कि शुभ माना जाता है, हाइट लेंथ की जो झोटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है वो हमें देखने को मिली है। बाकी आप डिटेल्स है वो जो कि फ़ोन पे भी आप जो कि पूछ सकते हैं। बात कर लेंगे भाई साहब जो दूसरे नंबर पे जो पशुधन खड़ा है क्या कुछ डिटेल्स है इसकी? ये भाई अगले के हिसाब से तो तीसरा है, बाकी ना चौथा मानो पाँचवा मानो अगले लेने वाले की मर्जी है। ठीक है जी। भैंस बढ़िया, एक बार इधर बोल दो इसको थोड़ा सा। तो देखिए जी तीसरे चौथे ब्याज की जो कि आप इसको मान सकते हैं, और बाकी बात करेंगे जी साइज है वो हमें कहीं ना कहीं काफी अच्छा देखने को मिला। तो कितने दिन की ब्याई हुई भाई साहब? ये भाई आज 5 दिन की ब्याई होगी। 5 दिन की ब्याई हुई है। हाँ, ये सब बच्चा बंद रहा इसका। ये देखिए जी, ये बच्चा बिल्कुल कच्ची ब्याई हुई है। और मौके पे दूध कितना भाई साहब? मौके पे भाई 10-11 किलो दूध बना रही है। 10-11 किलो दूध मौके पे है। 12 बजे उठा था काम को, 14 बनाएगी 13 बनाएगी। ठीक है जी।
तो देखिए जी, 5 दिन की ब्याई हुई में मौके पे 11 किलो जो दूध है अभी फिलहाल मौके पे तैयार है। तीसरे चौथे ब्याज का पशुधन है। बात कर लेंगे क्वालिटी की, बिल्कुल नसों से जो कि भरा हुआ जो ऑर्डर है वो हमें देखने को मिला है। दार पोसाव की काफी अच्छी बता रहे हैं, बाकी इसको भी एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए। जो व्यक्तित्व है जी पशुपालक भाइयों से जरूर कवर करके दिखा देना चाहेंगे। बच्चा साथ में क्या है, फीमेल है? फीमेल है भाई, साथ में इधर ये फीमेल का आप देख सकते हैं, जो सूंड है वो भी आप यहाँ पे जैसे जो देख पा रहे हैं। बाकी बात कर लेंगे जी, सींग है शरीर पे जमता हुआ है, बिल्कुल सिंगल हड्डी का पशुधन। और बात करेंगे जी पीछे से लेवे की, अभी से जो कि 2:30 बजे के लमसम जो कि फिलहाल मौके पे कवरेज है वो हम कुछ खाओगी तो ये तो जोश बनाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये पेट भी ना भरा जाता इसका। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये देखिए जी पीछे से जो लेवा है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और जैसे जैसे दूध के ऊपर आएगी तो ऑर्डर होगा वो हमें और भी काफ़ी अच्छा खासा दूध देखने को मिल जाएगा। तो दूध की क्या कुछ उम्मीद लगा सकते हैं? दूध भाई इसने पिछले ब्याज में 16-16.5 किलो ठंडा दे रखे है। अच्छा जी, ठीक है। रेट क्या कुछ रखा है? रेट इसका 1,12,000 रुपये। 1,12,000 रुपये, ठीक है। 1,12,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है जी। बात कर लेंगे जो तीसरे नंबर पे है, इसकी क्या कुछ डिटेल्स है भाई साहब? ये भाई आज ये 15-16 दिन की ब्याई होगी। 15-16 दिन की ब्याई हुई है और 13 किलो दूध है, 12 पक्का मान लो। 13 किलो दूध है, 12 किलो कम में बताऊं, 1 किलो कम भाई कम मान ले, पशु गर्मी का टाइम है। बिल्कुल जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत कम पत्ती कर दे दो। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल प्रेजेंट में 15 दिन की जो कि ब्याई हुई है और मौके पे जो कि 13 लीटर जो दूध है अभी फिलहाल मौके पे है। बात कर लेंगे क्वालिटी की, जो नीचे से जो थनों में जो स्पेसिंग है वो आप देख सकते हैं। और बात कर लेंगे पीछे से जो लेवा है वो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला, बिल्कुल टाइट लेवे का जो पशुधन है वो आप देख पा रहे हैं जी। बस, और बस, बस। साथ में बच्चा क्या है? इसका भी कटड़ी है भाई, ये साथ में फीमेल काफ है, इसको भी एक बार भाई साहब खोल के चला के दिखा दीजिए। जो व्यक्तित्व है ये भी हम आप लोगों को कवर करके दिखा देना चाहेंगे। दारचुआई की ये कैसी भाई साहब? ये भी दारचुआई में सारी की सारी खड़ी है। ठीक है जी, तो देखिए जी सिंगों की जो क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं। और ये पशुधन उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो दूध पीने के लिए रखते हैं जी ऐसे ऐसे पशुधन को, तो स्पेशली उन पशुपालक भाइयों के लिए है। ये देखिए, तो क्या कुछ दूध की उम्मीद लगा सकते हैं आप? अगले की क्या बताया जी, 14 दे रखे हैं हम तो लोग, इतनी भी ना कहते 18 देगी 20 देगी 14 दे तो बहुत हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो देखिए जी 14 किलो जो दूध है वो आराम से नॉर्मल दे देगी। बाकी नीचे का जो पशुधन है वो हमें कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा देखने को मिला जी। ये देखिए अड्डर की जो क्वालिटी है वो आप देख पा रहे हैं। रेट की बात कर लेते हैं भाई साहब। रेट है भाई एक ही दाम इसका 98,000 रुपये। 98,000 रुपये, ठीक है। 98,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है जी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पशुधन। बाकी आप ग्राउंड लेवल पे आते हैं वो आप इस पशुधन को देख सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में भी जो भी पशुधन दिखा रहे हैं पशुधन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है। और रेट की बात कर लेंगे, रेट का भी काफ़ी अच्छा पशुधन है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है जी जायज। और अभी बात कर लेंगे जी बाखड़ी, जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो रहती है जी। कौन से लैक्टेशन में है ये भाई? तीसरे में है। दूसरे में? तीसरा 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 तीसरे ब्याज का पशुधन है वो आप देख सकते हैं बाखड़ी। तो अभी फिलहाल कितने दिन की गैपिन है ये गैपन भाई? 6.5 महीने की मानो, 2-4 दिन ऊपर हो सके। ठीक है जी, 6.5 महीने की। हाँ ठीक है, समझो सातवें में लगी हुई है, 6.5 महीने की। चेक पास गैपिन, चेक पास सिंगल हड्डी का पशुधन है। सिंगों की बात कर लेंगे, थोड़ा सा सींग एक दुमेड़ा है, बाकी शरीर पे जमता हुआ है। दूध की क्या कुछ रिपोर्ट रही है? दूध भाई अगला तो नहीं होगा, 15-16 दिन रखे है, देखा पाना तो क्या काट के देखे नहीं है। बाकी हाल में इसके 4-4.5 किलो दूध भी है। ठीक है जी, तो 4-4.5 किलो जो दूध है अभी भी फिलहाल बिल्कुल ठंडी भैंस इतनी है दे रही है। अगर भूखी की प्यासी कैसे निकाल लो, आप ही मार के बैठ जाओ, तो आटा लगाने की जरूरत नहीं, वैसे पहुंच जाओ। ठीक है, तो रेट की बात कर लेते हैं भाई साहब। रेट इसका है कि दाम भाई 66,000 रुपये। 66,000 रुपये, ठीक है। 66,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है जी। बात कर लेंगे पीछे से जो इसके अड्डर के जो गुलजट्टे हैं वो हमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली, बाकी आप देख भी सकते हैं। ये देखिए हाइट लेंथ का पशुधन है, मीडियम हाइट लेंथ का है, सिंगल हड्डी है वो आप देख पा रहे हैं। बाकी आप ग्राउंड लेवल पे आके आप जांच के पशुधन को परख के ले जा सकते हैं। बात करेंगे एड्रेस की, जो भाई का एड्रेस है गांव है निडाना, जिला लगता है जी रोहतक और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। पास के गांवों की अगर हम बात कर लेंगे तो साइड में जो कि मदीना लगता है, मदीना भी बड़ी में भाई साहब के, तो आप आके विजिट है वो कर सकते हैं। और आज की वीडियो में जो भी आप लोगों को पशुधन है वो दिखाया गया है,
काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो पशुधन है वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है जी। ये बुरी है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, जिसे घर और व्यापार में जो कि शुभ है वो माना जाता है। तो कोई भी पशुपालक भाई किसी भी प्रकार की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो भाई साहब से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेगुलर रूटीन से, जो कि स्क्रीन पे नंबर है, तो आप आके भी विजिट है वो कर सकते हैं जी। तो फिर मिलेंगे जी किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास। तब तक सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।